नमस्कार दोस्तों अगर आप एक आईटी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग फ्रेशर हैं और आईटी सर्विस डेस्क इंजीनियर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक फ्रेशर जॉब इंटरव्यू में एक इंप्रेसिव सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकता है दोस्तों सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखने से पहले आइए सरल शब्दों में जान लेते हैं एक आई सर्विस डेस्क इंजीनियर कौन होता है आईटी सर्विस डेस्क इंजीनियर कंपनी और कंपनी के क्लाइंट्स कस्टमर्स या एंड यूजर्स जो कंपनी से टेक्निकल सपोर्ट टेक्निकल असिस्टेंस या टेक्निकल क्वेरीज करते हैं उनके बीच का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है एक आई सर्विस डेस्क इंजीनियर अपने कस्टमर्स क्लाइंट्स और एंड यूजर्स की टेक्निकल क्वेरीज और टेक्निकल रिक्वेस्ट को फ़ोन कॉल्स ई चैट रिमोट सपोर्ट या बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर फिजिकल विजिट के ज़रिए रिजॉल्व करता है आइए दोस्तों बिना वक्त बर्बाद किए हुए आईटी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग फ्रेशर के सेल्फ इंट्रोडक्शन पर फोकस करते हैं गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज देवर्षि मिश्रा आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड आई एम एन आईटी ग्रेजुएट फ्रॉम एक्स वाई जी कॉलेज I have recently completed IT hardware and networking diploma from ABC institute and I aspire to start my career as an IT hardware and networking professional with a growth oriented organization. I have sound understanding of IT hardware and networking concepts, tools and equipment. I am skilled in diagnosing and resolving technical queries related with hardware and software issues. I am able to install and configure equipment and provide remote support. आई एम अ टीम प्लेयर विद एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई एम केपेबल टू मेक एक्सीलेंट कस्टमर रिलेशन टाइम मैनेजमेंट परसिस्टेंसी पेशेंस एंड एनालिटिकल अप्रोच आर माई कोर स्ट्रेंथ्स दोस्तों इस सेल्फ इंट्रोडक्शन को हिंदी में एक्सप्लेन करने से पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूं नंबर वन इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में 90 परसेंट कैंडिडेट ने अपनी स्किल्स स्ट्रेंथ्स गोल्स पर्सनालिटी ट्रेड टेक्निकल नॉलेज पर फोकस किया है एक इंजीनियर से इसी तरीके का सेल्फ इंट्रोडक्शन कंपनीज इंटरव्यू में सुनना चाहती हैं और सेल्फ इंट्रोडक्शन इसी तरीके से उन्हें सुनाए नंबर टू इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताई गई बहुत सी इंफॉर्मेशन आईटी सर्विस डेस्क इंजीनियर की जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करती है और अगर आप ऐसे सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे तो एचआरआर इंटरव्यूअर को हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा कि आप एक सही कैंडिडेट हैं और वो एक सही कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रहे हैं नंबर थ्री एक्सपर्ट्स के अनुसार एच इंटरव्यूअर सेल्फ इंट्रोडक्शन के शुरुआती 40 सेकंड में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं तो अगर आप शुरुआती 40 सेकंड में ही अपनी स्किल्स स्ट्रेंथ्स, टेक्निकल नॉलेज के बारे में उनको बताएंगे तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा नंबर फोर सेल्फ इंट्रोडक्शन देने से पहले अपने आपसे एक क्वेश्चन पूछिए कि इंटरव्यूअर या एच मेरी स्किल्स स्ट्रेंथ्स टेक्निकल नॉलेज के बारे में ज्यादा सुनने में इंटरेस्टेड है या मेरी हॉबीज या फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको जवाब मिल जाएगा आइए दोस्तों अब इस सेल्फ इंट्रोडक्शन के हिंदी ट्रांसलेशन पर फोकस करते हैं सुप्रभात सर मेरा नाम देवर्षि मिश्रा है मैं नई दिल्ली से हूँ मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सी बोर्ड से पूरी की है मैं एक्स वाई जी कॉलेज से आई टी ग्रेजुएट हूँ मैंने हाल में ही एबीसी इंस्टीट्यूट से आई टी हार्डवेयर और नेटवर्किंग डिप्लोमा पूरा किया है और मैं एक ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आई टी हार्डवेयर और नेटवर्किंग प्रोफेशनल के रूप में अपना करियर शुरू करने की इच्छा रखता हूँ मुझे आई टी हार्डवेयर और नेटवर्किंग कंसेप्ट टूल्स और इक्विपमेंट की अच्छी समझ है मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इश्यूज से संबंधित टेक्निकल क्वेरीज़ को पहचानने और हल करने में कुशल हूँ मैं इक्विपमेंट इंस्टॉल और कन्फिगर करने और रिमोट सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम हूँ मैं एक टीम प्लेयर हूँ जिसके पास एक्सीलेंट रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और मैं एक्सीलेंट कस्टमर रिलेशंस बनाने में सक्षम हूँ समय प्रबंधन दृढ़ता धैर्य और एनालिटिकल अप्रोच मेरी मुख्य ताकत है तो दोस्तों इस तरीके से जॉब इंटरव्यू में आप एक इम्प्रेसिव सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और एच और इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं वीडियो के अंत में मैंने अपने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की एक प्ले दे रखी है उस प्ले पर क्लिक करके आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं वीडियो तक देखने के लिए और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद